इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप हेयर कटआउट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने फोटोशॉप 7.0 ओपन कर लिया है और जो भी इमेज का हेयर कट करना है उसको फोटोशॉप में ओपन कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये पिक्चर लिया है, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं एक लेयर है, तो कंट्रोल जे करेंगे यानी डुप्लीकेट बनाएंगे और जो ऊपर वाला लेयर है इसको हाइड कर लेंगे और नीचे वाला लेयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इसमें इरेज टूल के अंदर तीन टूल दिखेगा, यहाँ से मैजिक इरेजर टूल। मैंने सभी टूल के बारे में वीडियो बना दिया है लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वो सभी टूल के बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने ये टूल सिलेक्ट किया, मैजिक इरेजर टूल, और उसके बाद सेकेंड वाला लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद एक बार हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये देखिए, ये इस तरह से कटआउट हो गया है और केवल एक कलर आपका बैकग्राउंड होगा तभी पे ये वर्क करेगा ट्रिक, नहीं तो काम नहीं करेगा। अगर मल्टीपल कलर है तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, वो सब वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, यहाँ भी ये सब इस तरह से इरेज हो गया है। तो हम ऊपर वाले लेयर को शो करवाएंगे यानी विजिबल करवाएंगे और ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट रहते हुए यहाँ से हम इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप ब्रश का साइज जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी फ्लो 100 रखना है। उसके बाद आपको इस तरह से ये जो साइड साइड में है इसको इरेज कर लेना है। ये देखिए कुछ ऐसे, यहाँ से ये मैंने इरेज कर लिया और इधर से भी इरेज कर लेंगे और हेयर कट आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये कट आउट हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।